किया गया? पहला सवाल ये बताइए आप। जब जो मनसा आज इन्होंने पहली बार गिरफ्तारी का डर उनको पहले समन से ही लग रहा था ना, जो काम करने का तरीका है ईडी का, वो पिछले दो नेताओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया देखा है हम लोगों ने। अच्छा मैं निपुण जी का रुख करूंगी। निपुण जी आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल क्यों अवॉइड कर रहे होंगे समन को? क्या उन्हें पहले समन से लग रहा होगा कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? धन्यवाद, आपने बड़े देवा को मौका दिया। सर मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, बोलिए आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए जो आम आदमी पार्टी है इसको अपना नाम चेंज करना चाहिए, जिस तरह की दलील दे रहे हैं, नाम रखना चाहिए खास आदमी पार्टी, यानी कि खास आदमी बन गए हैं। आर्टिकल 14 जो संविधान का है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू नहीं होता, सीएम केजरीवाल के ऊपर लागू नहीं होता कि नो सम्मन के बाद भी मैं एक आम आदमी हूँ, अगर मुझे ईडी इस प्रकार का सम्मन दे तो मुझे हिम्मत होगी एक सम्मन के बाद भी पेश होने में, मैं पूरी जाके मुलाकात करूंगा, वेट करूंगा, बताइए साहब क्यों बुलाया, क्या कारण था, क्या नहीं था। लेकिन केजरीवाल जी खास आदमी है, वो नो सम्मन के बाद पेश नहीं होते। हाईकोर्ट कहता है कि तुमने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तब उनको गिरफ्तार किया जा रहा, तब भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता किस बात से मतलब बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन पर क्यों नहीं कार्रवाई। ये भी बताइए, देखिए निपुण जी, अभी आपको नहीं लगता ये आम आदमी पार्टी के लिए या यूं कहें अरविंद केजरीवाल के लिए ये दोहरी चुनौती हो जाएगी? एक तो उनको आरोपों से बरी भी होना है, दूसरा शराब कारोबार से जुड़े जो उनके पीछा पड़ गया पूरा कारोबार उससे उनको पीछा भी छुड़ाना होगा क्योंकि उनकी छवि इससे भी धूमिल हो रही है। देखिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ जो आम आदमी पार्टी है वो इस बात पर बनी थी कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगे, आरोप लगेगा तो हम कहीं ना कहीं एकदम से इस्तीफा दे देना चाहिए। शीला दीक्षित जी को ये पानी पी पी के बोलते थे कि ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं करती है, जब आरोप है सबूत है गिरफ्तार करती क्यों नहीं है, आज गिरफ्तारी का डर लग रहा है। ये जनता में साफ साफ मैसेज है, जैसे मैंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे अगर पुलिस हो ईडी हो कोई भेजे मैं पहली बार में जाके मिलूंगा। आज जनता ये कह रही है क्या आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी बन गई? वही आंदोलन से उपजी हुई पार्टी, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है ये, और आंदोलन से उपजी पार्टी के यही कहना था ना कि भ्रष्टाचार को लेकर हम सख्त हैं। संजीव जी यदि आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो जाना चाहिए था ना, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है आपकी तो, और आप हमेशा कहते जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर। आपकी सारी बातें सही है, सब कुछ सही है, जाना चाहिए। हाँ। जो काम इन्होंने ये किया है इसका पूछताछ करने का तो बिल्कुल जाते हैं, पूछताछ करने का मकसद इनका है, इनको यही करना था जो किया है वही काम। तो गिरफ्तार क्यों नहीं होंगे भाई, गिरफ्तार क्यों नहीं होंगे? पर के जी तो कहा जा रहा है कि एविडेंस तो है तभी तो गिरफ्तारी हुई है। अच्छा के जी एक बात बताइए, क्या ये कह सकते हैं कि के कविता की गिरफ्तारी के बाद ये मामला और ज्यादा